हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैं अनदर वीडियो ऑफ एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग सीरीज। एंड जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू पाइथन बेस्ड टूल है जो कि ऑटोमेटेड टूल है जिसकी हेल्प से हम जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो टूल का नेम है APK DeepLens जिसकी हेल्प से हम जो OWASP टॉप 10 मोबाइल वल्नरेबिलिटीज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो ये सिमिलर टू मोबाइल की तरह है जिसमें मोबाइल एक एडवांस टूल है जहाँ पे हम APK DeepLens का यूज ओनली स्टैटिक एनालाइज जो उसके कुछ फीचर्स है जस्ट लाइक APK एनालाइज, OWASP कवरेज, एडवांस डिटेक्शन, सेंसिटी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रक्शन एंड सो ऑन। सो आप सारे देखोगे। तो सबसे पहले गिटअप जो रिपो है उसको कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना जो काली लिनक्स है वो ऑन कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने जो टर्मिनल में जो बोट टू रूट है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो ओपन कर लिया है। एंड जितनी भी डिपेंडेंसीज रिक्वायरमेंट्स होगी इस टूल से रिलेटेड वो मैं बोट टू रूट जो एनवायरनमेंट है उसमें सेटअप करूँगा। सो आप अगर नहीं हो तो आप क्रिएट करके आप उसमें जाके वहाँ पे रिक्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो। सो सिंपली गिट क्लोन कर लेते हैं। सो गिट क्लोन करने के बाद में जो रिपो है वो हमारे डिवाइस में आ जाएगी। एंड उसके बाद में हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अपना सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। CD APK DeepLens LS, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दिख रही है जो कि मैं अपने बोट टू रूट जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वहाँ पे सेटअप करूँगा। सो P3 इंस्टॉल -R रिक्वायरमेंट्स एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि जो मेरा एनवायरनमेंट क्रिएटेड हो रखा है। तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इससे रिलेटेड वो सारी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं। एंड अब हम करते हैं Python 3 -H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो APK है उससे रिलेटेड कौन से फ्लैग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे -APK -V -reports, तो आप जो डिफरेंट है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यूजेस लिख रखा है। तो सिंपली जब हम MobSF करते हैं, MobSF में क्या होता है कि पूरी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी जो लाइब्रेरीज होती है जब अपनी डिपेंडेंसीज होती है वो इंस्टॉल करनी होती है हमारे सिस्टम में। एंड वहाँ कुछ अगर एरर्स आ जाए तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे APK DeepLens क्या कर रहा है, वो सिंपली एक रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में भी हमारे जो APK है उसको ईजिली एनालाइज कर सकता है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आपको जल्दी ही चाहिए कुछ डिटेल्स। सो सिंपली Python 3 -APK एंड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इंजर्ड एप्लीकेशन जो कि एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है। इसके हेल्प से इसमें हम वल्नरेबिलिटीज देखेंगे। सो -reports PDF एंटर। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको डिकम्पाइल कर रहा है, अपने लोड कर रहा है अपने कोड में। एंड वो अभी जितने भी डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है। सो पैकेज नेम यहाँ मेंशन है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ हो रहा है एंड परमिशंस। जब हम APK को डीकम्पाइल करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टैटिक टेस्टिंग में एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के पास। तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में जितनी परमिशंस होती है वो हम मैनुअली चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, मैनिफेस्ट फाइल से जितनी भी परमिशंस है जो APK इस डिवाइस से चाहता है वो सारी परमिशंस मेंशन है। उसमें से कौन सी डेंजरस है वो यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो राइट एंड रीड जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसमें परमिशन है एंड रीड फोन स्टेट की भी परमिशन है जो कि आप अगर बग बाउंटी करते हो या अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो इस वल्नरेबिलिटीज़ को आप रिपोर्ट कर सकते हो। एंड वो डिपेंड करता है कि कैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या अगर कैसे स्टोर कर रहा है एक्सटर्नल डिवाइस में, क्योंकि एक अटैकर उस एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेस कर सकता है इजीली विदाउट यूज़र परमिशन, क्योंकि फ़ोन की परमिशन ओनली इंटरनल स्टोरेज में ही चलती है जो APK है उसकी स्पेसिफिक। एंड अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में है तो अटैकर उसको भी एक्सेस कर सकता है इजीली। नाउ बात आती है एक्टिविटीज़ की। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इस APK से रिलेटेड है वो सारी यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख सकते हो डिफरेंटली। एंड जितनी भी एक्सपोर्टेड एक्टिविटीज़ है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एक्सपोर्टेड एक्टिविटीज़ को हम कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, लाइक एक्सपोर्टेड इज इक्वल टू ट्रू अगर मैनिफेस्ट फाइल में प्रेजेंट है इट मीन्स समहाउ वो एक्टिविटी या जो सर्विस या ब्रॉडकास्ट है वो वल्नरेबल हो सकता है, उसके थ्रू अटैक परफॉर्म हो सकता है। तो वहाँ पे आपको जाके चेक करना होगा, एक्सप्लोइट करने का ट्राई करना होगा। सो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं, कैसे एक मलिशियस एप्लीकेशन जो POC के थ्रू यूज़ करके एक मलिशियस एप्लीकेशन जनरेट करके उस एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं एक्सपोर्टेड को। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है सर्विसेज रिसीवर्स, जो भी एक्सपोर्टर्स रिसीवर्स है यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। एंड नाउ आती है जब हम APK को डीकम्पाइल करते हैं, कोड को देखते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक मेन मोटिव होता है कि जो हार्ड कोडेड सीक्रेट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। लाइक लेट्स सपोज API लीक हो रही है, कोई क्रेडेंशियल्स लीक हो रहे हैं, कोई इंटरनल पास लीक हो रहे हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है Google API और OAuth ID।
तो सिंपली अभी अगर हम गूगल एपीआई की बात करें तो समा हो जैसे हमने नॉर्मली देखा होता है कि मैप्स की एपीआई लीक हो रही है, कुछ और लीक हो रहा है, तो वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको हम एक्सप्लोइट भी कर सकते हैं। तो अगर जिसको भी डाउट्स है कि कैसे एक्सप्लोइट करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा उसके रिलेटेड। तो नेक्स्ट आता है जो ये फाइल क्रिएट हुई है वो मेरी जो फाइल बनी है, मैंने पीडीएफ और एचटीएमएल रिपोर्ट बनानी है, तो सारे डिटेल्स यहाँ प्रेजेंट है। एंड यहाँ देख सकते हो मेरी जो फाइल है वो कहाँ जाके सेव हुई है, तो सिंपली एपीके डीप्लेंस रिपोर्ट्स एंड यहाँ पे एचटीएमएल एंड पीडीएफ दोनों फॉर्मेट बनी है, तो मैं अभी एचटीएमएल फॉर्मेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, अदरवाइज हमने टर्मिनल पे देख लिया था, बट इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इंटेंट या इनके जो कोड से रिलेटेड जो क्लासेज और फंक्शंस है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल के नेम या मेंशन है एंड कोड से रिलेटेड कि लाइक ये क्या करता है, जब हम एपीके डिकम्पाइल करते हैं हम मैनुअली जाके कोड में देखते हैं कि कौन सा इंटेंट, क्या फंक्शन यूज़ हो रहा है, कौन सी क्लासेज यूज़ हो रही है। तो इसमें क्या कर रखा है इसने, तो जहाँ पे भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड लाइक कोई इंटेंट बन रहा है या क्लासेज यूज़ हो रही है तो उसने यहाँ पे कैप्चर करके हमें शो कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे हम सिंपली अगर लेट सपोज यहाँ सेंड ब्रॉडकास्ट न्यू इंटेंट क्रिएट हो रहा है जो कि इसमें यहाँ मेंशन कर रखा है कस्टम इंटेंट जो कि कोड से आ रखा है, तो हम अगर ये वनरेबल हुआ एक्सप्लॉइट हो सकता है तो सिंपली हमें इस फाइल में जाना है एंड यहाँ पे पूरा कोड को देखना है। तो वह अगर कोड में हमें लगा कि ये एक्सप्लॉइट हो सकता है इन फ्यूचर तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसने सिंपल हमें बस एक फंक्शन का जो नेम है या जो क्लास है पूरा डिटेल्स दी है छोटी सी, उसकी हेल्प से हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये एपीके टूल एपीके डीप्लेंस यूज़ नहीं करते तो हमें मैनुअली पूरा कोड रीड करना होता है, हमें इतना वन बाय वन लाइन जाना होता है। तो यहाँ पे इसने सिंपली दे दिया डिटेल्स, सो सिंपली हम ट्राई करते हैं इस फाइल में जाने का। सो एपीके डीप्लेंस एप सोर्स सोर्सेज एंड यहाँ पे फ्लैग एक्टिविटी नेम्स है, सो यहाँ पे फ्लैग जो भी फ्लैग 5 ये फ्लैग 5 रिसीवर आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी फाइल्स यहाँ प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से लाइक जो एपीके डीप्लेंस है उस टूल की हेल्प से इसने कोड को एक्सट्रैक्ट किया है एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमारा पास सारा डिटेल्स आ गई है। तो इस फाइल में आप जाके वो कोड देख सकते हो, अगर एक्सप्लोर हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये पूरा स्टैक एनालाइज हुआ है कोड का, वहाँ पे कितनी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम डेटाबेस की बात करें कंट्रोल एफ डीबी, सो यहाँ पे इसने कौन सा डेटाबेस अगर डेटाबेस हुआ तो जैसे यहाँ पे देख रहा है कि एसक्यूएल डेटाबेस में यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पे डिटेल दे रखी है दिस इज ए टेस्ट डीबी, सो यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है डीबी से रिलेटेड, सो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दूसरा एपीके एक और है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंजर्ड यूज़ किया है एंड एक और यूज़ कर लेता है एंड्रोगोट एंड्रोगोट एपीके, इसको डिकम्पाइल कर लेते हैं, इसमें भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको दिखा देते हैं कि कैसे टूल्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिकम्पाइल करेगा, डिकम्पाइल करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। एंड तो आप देख सकते हो ये सारी सेम परमिशंस डेंजरस परमिशंस एक्टिविटीज यहाँ मेंशन कर रखी है एंड यहाँ पे भी इसने ये आईपी दिखा रखी है। तो आईपी सिंपली ये क्या कर रहा है, सिंटेक्स यूज़ कर रहा है टूल कि अगर 4 ऑक्टेट में ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसको हमें शो करेगा, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव टाइप में है, क्योंकि अगर आईपी होती तो हमें पता चल जाता कि 192 या जो भी उसकी रेंज है उस डिपेंड करता है वो कौन सी क्लास से है, बट यहाँ पे बस सिंपल वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसकी एक फाइल बन गई है, वो जाके देख लेते हैं हम एपीक डीप्लेंस रिपोर्ट्स एंड यहाँ पे हमारी एक एचटीएमएल फाइल बन गई है इससे रिलेटेड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम रिजल्ट्स लाइक हमें फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके लाइक उसको कोड दिखा रहे हैं कौन से इंटेंट क्रिएट हो रहा है, लाइक एसएमएस नंबर जो आप देख सकते हो, अगर आपका इसको कोड देखना है तो इस फाइल में जाके देख सकते हो कैसे यूज़ हो रहा है, ये पॉसिबल है कि आप एक्सप्लोइट कर सकते हैं हम इजीली। एंड डीबी तो यहाँ पे सेम या फिर डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, वो सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल यूज़र इन्फो,
ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टेम्प्रेरी फाइल क्रिएट कर रहा है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल गया कि एक टेम्प्रेरी फाइल क्रिएट हो रही है जहाँ पे यूज़र का कुछ सेंसिटिव डाटा स्टोर हो सकता है पॉसिबली। तो वहाँ जाके इस फाइल में देख सकते हैं वो कहाँ जाके स्टोर आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ऐसे करके हम स्टैटिक एनालिसिस करके हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आपको इस टूल से रिलेटेड या स्टैटिक एनालिसिस से कुछ इशू हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज में जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, एंड आपको कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आप सजेस्ट कर सकते हो कौन से वीडियोस चाहिए आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।